हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे पौधे होते हैं और जो हमारे ह्यूमन रिलेशन होते हैं उनका, हमारे दोनों चीज़ों का एक क्या घनिष्ठ संबंध है, क्या रिलेशन है। तो किस तरीके से पौधे का और ह्यूमन बीइंग का रिलेशन होता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे कि कोई भी रिलेशन होता है तो उसमें हम, ये होता है दोस्तों कि आजकल रिलेशन बहुत जल्दी बन नहीं पा रहे हैं, बहुत जल्दी टूट रहे हैं रिलेशन। तो उसकी क्या वजह है दोस्तों, जो मेन वजह है वो क्या है? तो आप दोस्तों, मैं एक जो आपको एग्जांपल दूंगी वो पौधों के ऊपर ही रख के दूंगी, ताकि क्योंकि दोस्तों मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मैं पौधों के एग्जाम्पल से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारे गार्डन है, मिनी गार्डन है, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, ये हमारा गार्डन है। तो दोस्तों, जैसे कि इन पौधों को देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी पौधे की देखभाल ना करें, एक दिन भी ना करें, हमने मान लीजिए दोस्तों अगर हमने एक साल तक उस पौधे की देखभाल की है, किसी भी पौधे की, ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हमने किसी भी पौधे की देखभाल की है, हम एक साल तक करते जा रहे हैं उसकी देखभाल, और हमने दोस्तों अगर उसको एक हफ्ते भी हमने उसकी देखरेख नहीं करी, पानी नहीं दिया उसमें, या फिर उसमें हमने बारिश का पानी आ गया, या कुछ भी हमने किसी भी तरीके से उसकी देखरेख नहीं की दोस्तों, तो वो पौधा जो है वो आपका फौरन ही मर जाएगा, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होगी, वो फौरन ही, चाहे आपने एक साल तक उसकी कितनी भी केयर की हो दोस्तों, कितनी भी आपने उस पौधे की एक साल तक केयर की हो, लेकिन अगर आप दो दिन भी उसमें पानी नहीं देंगे, एक दिन भी पानी नहीं देंगे, तो वो पौधा, या फिर ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो पौधा जो है वो मर जाएगा दोस्तों, वो पौधा पनप नहीं पाएगा। तो जिस तरीके से दोस्तों ये आप जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे, उसी तरीके से दोस्तों जो रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन है, उसको भी अगर आप, अगर आपने 6 महीने 1 साल आपने केयर की उसकी और फिर आपने बिल्कुल उस रिलेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों वो रिलेशन भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। दोस्तों अगर आपको अपने रिलेशन भी बनाए रखने हैं तो आपको एक एक दिन उसको संवारना है, निखारना है, उस रिलेशन को आपको संवारना है, निखारना है। जैसे कि हम अपने पौधे को देखते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, छांटते हैं, कितना हम समय लगाते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं दोस्तों, गुड़ाई करते हैं, उसकी खाद लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, कोई पुरानी पत्ती खराब हो जाती है तो उसे निकाल देते हैं, नई पत्तियां आती हैं इस तरीके से, जैसे ये आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो नई पत्तियां भी नहीं आएंगी और पौधा मर जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे ह्यूमन रिलेशन होते हैं, हमें अपने रिलेशन को भी उसी तरीके से दोस्तों रखना है, उसका एक एक दिन हमें संभाल के रखना है, ध्यान रखना है अपना। ये नहीं है कि हमने कुछ दिन ध्यान रख लिया अपने रिलेशन का कि अब तो जैसे एक साल हमने केयर कर ली किसी की भी और उसके बाद हमने केयर करना छोड़ दिया कि अब तो हमने बहुत कर ली केयर, अब तो हमारे रिलेशन को कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमें अपने रिलेशन का को एक एक दिन संभाल के रखना होता है। अगर हम एक दो दिन भी अपने रिलेशन में कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो वो बात जो है दोस्तों खराब हो जाती है। उसी तरीके से हमारे पौधे भी हैं, जैसे पौधे खराब हो जाती हैं उसी तरीके से हमारा रिलेशन भी दोस्तों नहीं बन पाएगा। तो आप पौधे से ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे पौधे को केयर की ज़रूरत होती है, एक एक दिन केयर की ज़रूरत होती है, आप अगर एक दिन भी दो दिन भी अगर आप पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। उसी तरीके से रिलेशन भी दोस्तों है, अगर हमने एक या दो दिन भी या हमने कुछ दिन भी अपने रिलेशन पे ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो यही बात मैं आज आपको समझाने वाली थी, जो कि मैंने पौधे के एग्जांपल के रूप में आपको समझाई है, क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ तो आपको इसी तरीके से समझा सकती हूँ दोस्तों। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ विचार हैं, कुछ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी मुझसे बताइएगा। तो ये मेरी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा दोस्तों। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।